Hello guys, welcome to RJ Coaching YouTube channel. आज हम chemistry का एक नया topic atomic structure start कर रहे हैं. मैं आपको इसके MCQ questions करवाऊंगा, साथ में इसकी explanation भी दूंगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले atoms होते क्या हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. Atom होते हैं कि सबसे पहली जो definition आई थी atoms की वो थी कि एटम इज अ पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. मींस वो सबसे छोटे से छोटा पार्ट जिसको हम और ज़्यादा आगे छोटे पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें, वो एटम है. मीन आप कह सकते हो कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी चीज़ की, उसे हम एटम बोलेंगे. जैसे अगर आप दीवार बना रहे हो तो उसमें दीवार बनती है ईंटों को मिला के, और जो आपकी ईंट होगी वो एग्जाम्पल होगी आपकी एटम का. अच्छी हमारी बॉडी और कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं उनमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है उनको एटम माना जाता है. ऐसे पहले माना जाता था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन बाद में ऐसा मिला कि नहीं, एटम जो है वो सबसे छोटा नहीं है, उससे छोटा भी कुछ है. फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई. फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो जैसे हमारे प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये सभी हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. लेकिन जो सबसे पहले डेफिनेशन आई थी एटम की वो यही थी कि जो एटम है उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी ऑब्जेक्ट की. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड एटॉमिक प्रिंसिपल ऑफ मैटर. तो ये सबसे पहले डोल्टन ने दिया था. डोल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. According to this, atom is made up of very small indivisible particles which are known as atoms. Indivisible means उनको further divide नहीं किया जा सकता, वो खुद में ही सबसे छोटे पार्ट हैं. Second question देखते हैं. Second question है, which two forces are able to provide on attractive forces between two neutrons? कौन सी ऐसी force है जो उन दो neutrons को आपस में combine करके रखती है? तो ये है gravitational एंड न्यूक्लियर फोर्सेस. क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो उन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो ना ही नेगेटिव चार्ज होते हैं और ना ही वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो कभी हो ही नहीं सकते. तो वो एक दूसरे से बंध किस फोर्स से बंधे रहते हैं? वो एक तो न्यूक्लियर फोर्स होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उनके जरिए वो दोनों आपस में बंधे रहते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, When a bond is formed between two atoms, the energy source system will be. जब भी आपका कोई बॉन्ड बनता है तो आपकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है. आपकी एनर्जी जो होगी वो डिक्रीज होगी क्योंकि हमारे जो नेचर है उसमें जो स्टेबल चीज़ें मिलती हैं वो हमेशा अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करती है. मैंने लेक्चर दिया भी था कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, अगर आपने आप वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए. तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे नेचर में एटम्स मिलते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते. उन्हें सर्वाइव करने के लिए बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, और जब वो बॉन्ड्स बनाते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. हाई जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो अनस्टेबल होता है. इसीलिए जो एटम्स है वो स्टेबल बनने के लिए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है. जितनी एनर्जी डिक्रीज़ होगी उतना ही हमारा जो एटम बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा. इसलिए जब बॉन्ड दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है और वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है कि एनर्जी का अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा. व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स देन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 29 इज रिलेटेड टू. 29 में हमारा जो होता है वो होता है डी ब्लॉक. हमारा जो 29 एलिमेंट होता है वो होता है हमारा कॉपर. कॉपर जो आता है वो हमारा डी ब्लॉक में आता है. नेक्स्ट चलते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल बींग नेगेटिवली चार्ज, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? तो हमें सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय द जे जे थॉम्सन इन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³ किलोमीटर्स किलोग्राम्स एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज, यहाँ पे गलत लिखा है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता, इससे ये गलत लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में ओवरव्यू दे दूँ। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था कि जे जे थॉम्सन जी ने क्या किया था कि एक डिस्चार्ज गैस ट्यूब ली थी, ऑपरेटर जिसमें ये एक्सपेरिमेंट हुआ था वो था ग्लास ट्यूब, उसमें डिस्चार्ज गैस ट्यूब। डिस्चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें से सारी एयर जो है वो निकाल के उसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया था। वैक्यूम इसीलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है वो कंडक्टर नहीं होती, वो बैड कंडक्टर होती है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एयर हमारी कंडक्टर होती तो हमें करंट लगता है क्योंकि हमारी वायर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, एयर जो है वो वायर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके हम तक पहुंचा देती है, इसीलिए जो हमारा एयर है वो बैड कंडक्टर होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। तो इसीलिए जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाना था तो उन्होंने क्या किया, वहाँ ट्यूब के अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया, लो प्रेशर पे जाके हमारी जो गैसेज होती है वो गुड कंडक्टर बन जाती है। तो ये इस ऑपरेटर्स की मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कैथोड रेज। कैथोड्स जो होते हैं वो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज आर द स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, इनमें जो होता है हमें नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, वह कौन सा एलिमेंट है वो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन के बाद हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद हमारा नाइट्रोजन है, बस सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है हमारा फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिव की टेंडेंसी ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर सकते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एटम होगा वो उतने ही स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑफ एन एलिमेंट। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करेंगे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी किसी भी एलिमेंट की, के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है द प्रोडक्ट इक्वलेंट वेट एंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट। जब हम इक्वलेंट वेट और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट को का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एटॉमिक वेट मिलता है। टेंथ क्वेश्चन है ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कंट्रोल्ड बाय। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मदद से डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली तीन जो क्वांटम नंबर है वो रियल है, जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो बाद में ऐड किया गया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि ये करते क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा जो हमें जो बताता है वो शेल्स के बारे में बताता है, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट शेल मेन शेल के बारे में हमें जो बताएगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा, और आगे सब शेल्स के बारे में हमें एजीमथल क्वांटम नंबर बताएगा, और उन सब शेल्स की ओरिएंटेशन के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मूवमेंट की डायरेक्शन, क्योंकि एक शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एक की प्लस हाफ स्पिन होती है और एक की नेगेटिव हाफ होती है। तो बस गाइज बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।